नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को सुंदर रहना है तो आप लोगों को ऐसे फूड्स जरूर खाने चाहिए जो कि कुदरत ने हम लोगों को दिए हैं। टेंजरीन्स एक ऐसा ही फूड है जो आप लोगों को अपनी बॉडी को टोन बनाने में हेल्प करता है। तो फूड्स हैं जो आप लोगों की बॉडी को टोन बनाने में हेल्प करते हैं, सुंदर बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों का भी एक ड्यूटी है कि अगर आप लोग अपनी बॉडी को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केयर करेंगे तो आप लोगों की बॉडी टोन होगी, हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों को हर वो प्रयास करता रहता है जिससे आप लोगों की बॉडी टोन्ड रह सके, आप लोगों का फिगर जो है वो खूबसूरत रह सके, आप लोग जवान रह सकें, फिट रह सकें, हेल्दी रह सके। तो एक्सरसाइज भी एक रूटीन में आप लोगों को ऐड करना होगा और डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज आप लोग अगर करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स जो हैं, अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना। और सबसे पहली एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं, इसमें आप लोगों को एक प्रकार का लैटरल लंजेस प्लस स्क्वाट क्रंच है आप लोगों के पास। इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है। अब आप लोगों को एक पैर का जो घुटना है उसको मोड़ते हुए अपने चेस्ट की ओर लेकर जाना है और दूसरा जो है वो लैटरल लंजेस की पोजिशन में आप लोगों के पास आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को 40 सेकेंड तक करना, सभी एक्सरसाइज को आप लोगों को 40 सेकेंड के लिए ही करना है और सभी एक्सरसाइज के बीच में मैंने 10 सेकंड का रेस्ट दिया है जैसा कि एज यूजुअल हम लोग देते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के ग्लूट्स को टोन बनाती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को टोन बनाती है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल्स को टोन बनाती है। तो टारगेट मसल्स आप लोगों के पास इसकी तीन हो गई, ग्लूट्स हो गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई और एक्सटर्नल ओब्लिक्स हो गया। तो अब रेस्ट टाइम है, रेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के पास है क्रॉस ओवर आप लोगों का टॉय टचेस और ये दूसरी एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह उठकर अगर आप लोग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो देखिए थाइस मसल्स जो हैं वो इसकी टारगेट मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स इसकी टारगेट मसल्स हैं, ओब्लिक्स मसल्स भी इसकी टारगेट मसल्स हैं और साथ ही ये फुल बॉडी वर्कआउट भी आप लोगों को दे देता है। तो अगर आप लोगों को अपने बॉडी को खूबसूरत रखना है तो क्रॉस ओवर टॉय टचेस आप लोग कीजिए, इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं, ग्लूट्स मसल्स हैं और आप लोगों के ओब्लिक्स मसल्स हैं वो आप लोगों के टोन्ड होंगे। तो वो 40 सेकंड का टाइम जरूर इसे आप लोग दीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फिर से रेस्ट आ चुका है 10 सेकंड का, आप लोगों को रेस्ट करना है, आराम कर लीजिए। बॉडी को टोन्ड बनाना है तो डेफिनेटली आराम तो करना ही जरूरी है। अब आप लोगों के पास तीसरी एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं, फॉरवर्ड आप लोगों को लंजेस करना है। फॉरवर्ड लंजेस में आप लोगों को डिप्स करना है। दोबारा से आप लोग क्या करें देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोनों हाथों को सरफेस पर रखें, उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे की ओर जो है हिप्स को नीचे की तरफ पुश करें और दोनों हाथ जो हैं अपने कमर पर रख लें। अब दोबारा से अपने ग्राउंड पर दोनों हाथ रखें और ऊपर की ओर हों, तो मतलब आप लोगों को अपने हिप्स को पुश करना है नीचे की ओर और अप करना है। जब हाथ कमर पर आएंगे तो आप लोगों के हिप्स जो हैं और नीचे की ओर पुश होंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को अपने ग्लूट्स के लिए करनी है ताकि आप लोगों के ग्लूट्स जो हैं वो एक अच्छी शेप में आ सके। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज पर जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 10 सेकंड का रेस्ट टाइम है, रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एज यूजुअल आप लोगों को पता है सिंपल सा स्क्वाट एक्सरसाइज है जो आप लोगों की पूरे दिन भर की जो है रूटीन को पूरा करता है। ये आप लोगों की थाइज मसल्स को बहुत अच्छा करता है, टोन बनाता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को टोन बनाता है, ग्लूट्स को टोन बनाता है और इवन आप लोगों को एक पावर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है खड़े होने की। जब आप लोग बैठ कर खड़े होते हैं तो आप लोगों में एक पावर चाहिए होती है, वो पावर भी आप लोगों में स्क्वाट जो है वो इंक्रीज करता है, आप लोगों के घुटने को मजबूत करता है। लेकिन प्लीज़ जिसके घुटने में कभी प्रॉब्लम हो तो ज़बरदस्ती किसी भी एक्सरसाइज को आप लोगों को नहीं करना है, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर ही सभी एक्सरसाइज को करना है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कीजिए ग्लूट्स को अच्छा बनाने के लिए। अब फिर से आ चुका आप लोगों के पास रेस्ट और अपनी जो फिगर है उसको आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा बनाने के पास आप लोगों के पास टाइम है तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, दोनों हाथों में अपने आपको आप लोगों को वेट रखना है, 40 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखिए, उसमें थोड़ा सा वेट रखिए। अब रिवर्स लंजेस के लिए आप लोग जो है एक पैर को पीछे की ओर खिसकाइए और घुटना मोड़ते दूसरा जो राइट साइड का जो घुटना है वो मुड़ जाएगा आप लोगों का, टर्न हो जाएगा।
अब आप लोगों को जो लंजेस पोजीशन में आप लोगों का पैर गया है वही आप लोगों का फॉरवर्ड पोजीशन में आप लोगों का ऊपर की ओर लाना है, यानी कि रिवर्स लंजेस प्लस आप लोगों का हो जाएगा स्टैंडिंग क्रंच। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं और ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप लोगों के बैली फैट को रिड्यूस करने में, लोअर बैली फैट को या हैंगिंग बैली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद कर सकता है और इवन आप लोगों की थाइस को भी टोन कर सकता है। रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम कर लीजिए, रेस्ट टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, यानी कि नंबर 6 वर्कआउट के ऊपर। 6 वर्कआउट है, छठा वर्कआउट है और ये भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए ही करना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों में अपना वेट रखना है और पावर बढ़ाने के लिए आप लोगों को करना है ये एक्सरसाइज, ताकि शरीर की जो पावर है वो बढ़े, इंक्रीज हो। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, थोड़ा सा झुक जाएं आगे की साइड में और दोनों हाथों को या दोनों हाथों में आप लोगों को थोड़ा वेट रखना है। अब वेट को आप लोगों को हाथों को फैलाना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसा फैलाने से आप लोगों की चेस्ट मसल वर्क करती हैं और चेस्ट में भी सुधार आप लोगों को देखने को मिलता है और चेस्ट का भी वर्कआउट हो जाता है। तो जिनके ब्रेस्ट हैवी हैं उनको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोग अपने ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस कर सकें और साथ ही चेस्ट को मजबूत बना सकें। रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग नंबर 7th एक्सरसाइज की ओर। और ये 7th एक्सरसाइज है आप लोगों के पास डंकी किक, जो आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स को अच्छा करती है, इवन आप लोगों के टोन भी करती है। बैक किक जो है एक्चुअली में ये क्या है कि आप लोगों के बैली फैट को भी रिड्यूस करती है, आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमिन मसल्स है उसको टाइट करती है, टोंड बनाती है और ये अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए भी, उसको भी आप लोगों को टोंड बनाने में आप लोगों की हेल्प करती है। तो अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड कीजिए। तो टोटल बॉडी वर्कआउट जो है मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये घर के वर्कआउट हैं, इसको करने के लिए आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से वर्कआउट हैं, आप लोगों को अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करने चाहिए। अब ये बैक किक भी ओवर हो चुका है, रेस्टिंग टाइम चल रहा है, आप लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए, 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है आप लोगों को ताकि आप लोगों को आराम मिल सके दूसरी एक्सरसाइज करने में। अब नंबर 8 एक्सरसाइज है, 8 ये एक्सरसाइज आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करनी है। इसमें आप लोगों को हील टचेस करना है या आप लोग जो है नी टचेस भी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक पोजीशन लेनी है, यानी कि हाई प्लैंक पोजीशन, उसके बाद में अपने आप को अंदर की ओर झुकाते हुए, यानी कि सर को अंदर की ओर झुकाते हुए अपने घुटनों को आपस में आप लोगों को टच करना है या अपने काफ्स को आप लोग टच कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए, बैली के लिए बहुत अच्छा है, उसको टोंड बनाता है, इवन आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। और आप लोगों की इस वर्कआउट के अंदर स्पाइन जो है मसल्स वो सीधी रहनी चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम जो है आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि वर्कआउट अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों को भी पता है। नंबर 9th एक्सरसाइज है प्लैंक पोजीशन। ये प्लैंक पोजीशन आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देती है, 40 सेकंड में आप लोगों की बॉडी को टोंड बनाने में आप लोगों की हेल्प कर सकती है, हाथों का फैट रिड्यूस हो सकता है, चेस्ट मसल्स अच्छी हो सकती है, रेक्टस एब्डोमिन मसल्स अच्छी हो सकती है, थाइज मसल्स अच्छी हो सकती है, ग्लूट्स अच्छे हो सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी रूटीन्स में अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्लैंक भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक तो बनता ही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।